हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन फिगर 6.38 अल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी सो दैट फर्स्ट ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, सेकेंड ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, थर्ड ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी और फोर्थ ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला प्रूफ करेंगे। तो पहला क्या है आपका, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है देखिए यहाँ पे, ये ट्रायंगल ए ई पी, ठीक है, इस ट्रायंगल को और ट्रायंगल सी डी पी, इस ट्रायंगल को हम लोग को प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है। ठीक है, तो हम लोग इस ट्रायंगल को ले लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, सी ई और ए डी अल्टीट्यूड है ये दिया हुआ है, तो इसका जो एंगल होगा ये ए ई पी और सी डी पी, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को गिवन है ए डी एंड सी ई इज अल्टीट्यूड सो द एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस दोनों ट्रायंगल में एंगल ए पी ई और एंगल सी पी डी ये क्या है, ये एक दूसरे का अपोजिट एंगल है, इसीलिए ये इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी। ठीक है, क्यों होगा ये, क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोग को क्या मिल गया, दो एंगल मिल गए, ठीक है, जो कि इक्वल है, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल जो है एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है, समझ गए, ये पहला आपका सॉल्व हो गया है, ये हो गया प्रूफ। अब हम लोग को सेकंड प्रूफ करना है। ठीक है, तो सेकंड देखिए क्या है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, ये प्रूफ करना है। तो देखिए ए बी डी क्या है, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ये ट्रायंगल आपका और ट्रायंगल सी बी ई, सी बी ई, ठीक है, इस ट्रायंगल को हम लोग को प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए ये एंगल ए डी बी 90 डिग्री है और एंगल सी ई बी ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि ए डी और सी ई अल्टीट्यूड है। ठीक है, ए डी एंड सी ई इज अल्टीट्यूड। अब एक एंगल इसमें मिल गया और एक एंगल देखिए यहाँ ये बी एंगल, बी एंगल बी क्या है, ये दोनों ट्रायंगल में ए डी बी और सी ई बी इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी ई। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन एंगल। ठीक है, तो हम लोग को दो एंगल मिल गया, तो दो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सो एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, समझ गए, अब हम लोग इसका थर्ड सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। थर्ड में हम लोग को प्रूफ करना है ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल ए डी बी, तो ये देखिए ये ट्रायंगल है ए ई पी और ये ट्रायंगल है आपका ए डी बी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी, एडीबी का भी एंगल ए और एंगल एईपी का भी एंगल ए क्या है कॉमन, तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये एंगल ए ई पी, ये एंगल, ठीक है, और ए डी बी, ये एंगल क्या दिख रहा है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए पी इक्वल टू एंगल ए डी बी। क्यों? क्योंकि ये इक्वल है 90 डिग्री के, क्योंकि सी ई और ए डी जो है अल्टीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हम लोग को दो एंगल मिल गया, तो दोनों एंगल से ये क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो लिखेंगे सो एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। अब हम लोग फोर पार्ट पे आते हैं। फोर्थ आपका सॉल्व करना है ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी, ठीक है। तो देख लेते हैं ये क्या है, ट्रायंगल पीडीसी, ठीक है, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल बीईसी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों को हम लोग को प्रूफ करना है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, क्या है ये, इस ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल सी क्या है, सी कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये क्या है, ये कॉमन एंगल, और ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है। तो लिखेंगे एंगल पी डी सी इक्वल टू एंगल बी ई सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसमें भी हम लोग को दो एंगल मिल गया, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये क्या होगा, सिमिलर होगा। तो लिखेंगे सो एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। तो इसमें सारे प्रूफ हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।